लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बिहार पटना आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। नौबतपुर के तेरतपाली मठ पर 13 से 17 मई तक बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हनुमत कथा चलेगा। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव मीडिया इंटरव्यू में एक बयान देते हैं कि शास्त्री जी बिहार आ रहे हैं, अगर हिंदू मुसलमान के भाईचारे को बिगाड़ने की बात करेंगे तो हम उनको पटना एयरपोर्ट पर ही घेराव करने का काम करेंगे। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, उसके बाद से और सरगर्मी बढ़ जाती है। लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव शास्त्री जी को घेराव करने के लिए अपनी टीम को खड़ा कर चुके हैं। उस फोटो में सभी बच्चे लाठी लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अपने सेना खड़ा कर चुके हैं और एयरपोर्ट पर ही शास्त्री जी का घेराव करेंगे और पटना के अंदर शास्त्री जी का कथा नहीं चलने देंगे। कहानी मैं शुरू से बताऊँ तो पटना गांधी मैदान में बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कथा चलने वाला था, किसी कारणवश पटना के गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम आयोजन नहीं हो सका। नौबतपुर के तेरतपाली मठ में 13 से 17 मई तक उनका कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है, जिसके बाद से जैसी ये खबर बिहार वालों को पता चलता है कि बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र का मांग करता है, वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अखंड भारत की मांग करता है, वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के पटना आ रहे हैं। जैसी ये खबर बिहार वालों को पता चलता है, जिसके बाद से बिहार में रह रहे लोग, बहुत सारे लोग कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो यह भी कह देते हैं, यह भी चैलेंज दे देते हैं कि पटना के अंदर, बिहार के अंदर शास्त्री जी का कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे और सोशल मीडिया पे अपनी अपनी गर्मी तेज करके टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं और पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर बहुत सारे लोग, आप जानते ही हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सिर्फ भारत में ही फैन फॉलोअर नहीं है, उनको जानने वाले, उनको सुनने वाले, उनको पहचानने वाले सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विदेश और पूरे वर्ल्ड में लोग उनको जानते हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि पटना के गांधी मैदान में नमाज अदा किया जा सकता है, बाकी अन्य कार्यक्रम वहाँ पर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 13 मई से वहाँ पर डिज्नीलैंड का मेला लगने वाला है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को वहाँ होना सुनिश्चित नहीं होने दिया गया, जिसको लेकर पटना से कुछ दूरी पर नौबतपुर के तेरतपाली मठ पर उनका कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। अब सवाल बिहार सरकार से और लालू के बड़े लाल बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव से, क्यों तेज प्रताप यादव एक हिंदू हैं और तेज प्रताप यादव भी कृष्ण के पुजारी माने जाते हैं, उनको अलग अलग वेशभूषा में आप सोशल मीडिया पर जरूरी देखे होंगे और पूजा में उनका बहुत ज़्यादा आस्था है, लेकिन फिर भी दोनों भगवान को मानने वाले हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हनुमान जी को मानते हैं, भी कृष्ण जी को मानते हैं, सभी अपने मन में भगवान को ही मानने वाले हैं, तो फिर बागेश्वर धाम सरकार का विरोध तेज प्रताप यादव क्यों कर रहे हैं? क्या उनको राजनीति लेना है? क्या अपना नाम चमकाना है? क्योंकि बहुत सारे दिनों से तेज प्रताप यादव का बयान कुछ नहीं आ रहा था, चर्चा में नहीं था, चर्चा में आने के लिए तेज प्रताप यादव ऐसे अपना बयान दिए हैं। अपना राय जरूर लिखिएगा। बाकी आपसे एक सवाल लास्ट में जाते जाते जरूर पूछना चाहूँगा, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमत कथा सुनाने वाले, बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सौहार्द को बिगाड़ने की बात करते हैं? अगर आपको सही में बात पता हो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परम मित्र मुस्लिम है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहन के शादी में सहयोग किया था। आखिर वो आदमी हिंदू मुसलमान के भाईचारे के सौहार्द को बिगाड़ने की बात कैसे कर सकता है? कभी आपने उस तरह का बयान सुना कि हम मुस्लिम से कट्टरपंथी है, मुस्लिम धर्म का विरोध करते हैं? नहीं, अपने धर्म का प्रचारक है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अपने धर्म का प्रचार करता है। आप भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बशर्ते आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। अगर ऐसा काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी धर्म पर उंगली उठाने का काम किए तो आप बताइएगा जरूर। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय बिहार।